तो ध्यान हटाओ उन सात चौकियों के वालों। सात एतवार नए बंदों को चर्च में इसलिए बुलाया जाता है कि तुम सीख पाओ, सात एतवार गुहाइयां सुनो तुम और तुम्हारा विश्वास बढ़े। सोचो तुझे एक रसौली है और डॉक्टर ने बोला ओके इसका ऑपरेशन होगा, पर तुझे ये विश्वास नहीं है ये गायब भी हो सकती है। जब बिना ऑपरेशन के स्वर्गदूत बिना चीर फाड़ के इसे गायब कर सकते हैं, तेरे निकाल सकते हैं पेट में से, तेरे गुप्त अंग की राइंबो से बाहर फेंक सकते हैं, पर आज रसौली चर्च की रसौली की गवाही नहीं हुई। तूने आज नहीं हुई, तू अगले एतवार है नहीं हो तो अगले एतवार है चर्च में रसौली की गवाही हुई। तूने कहा ओ प्रभु अगर इसकी रसौली गायब हो सकती है बाहर निकल सकती है तो मेरी भी निकलेगी, मैं विश्वास करती हूं खुदावन, और इसी विश्वास से तुम चंगे हो जाते हो। समझ रहे हो, तुम वचन सुनते हो, तेरी प्रॉब्लम का कारण तेरा पाप हो सकता है और तुम चर्च में आ रहे हो, प्रभु बोझ ले रहे हो। आज प्रभु बोझ हुआ, कभी ले हैंड हुआ, ले हैंड के समय तुझे पवित्र आत्मा ने छुआ, तेरा पाप महसूस हुआ, कभी आराधना ही ऐसी हुई चर्च में कि तुम पवित्र आत्मा से भर गए, तेरा पाप सामने आ गए और तूने उससे माफी मांगी, प्रभु आज से नहीं करूंगा, एक बार मुझे माफ कर, मुझे ग्रेस दे आगे से ना इस पाप में जाऊं, और खुदा ने तेरे पाप को क्षमा किया और तुझे चंगा कर दिया। तो इसीलिए तुझे रेगुलर चर्च आना होता है कि खुदा तुझे टच करे। कोई पता नहीं किस दिन कौन सा वचन मिलने वाला, किस दिन तेरे लिए भविष्यवाणी होने वाली, किस दिन तेरे आके बुला के तुझे प्रोफेटिकल डिलीवरेंस होने वाली तेरी, तू नहीं जानता। तो आपको चर्च आना है और अपने उद्धार के लिए बाइबल में लिखा है काम करो, अपने उद्धार के लिए काम करो, अपने छुटकारे के लिए काम करो। तो क्या आप इसके लिए सीरियस होगे? अगर तुम आज से इसके लिए सीरियस होगे तो तुम जान चुके कि मुझे फाइट करनी, मुझे लड़ना है अपनी भविष्यवाणी के लिए, जो वचन मुझे मिल रहा है मुझे उसे फॉलो करना है। आज लोग चर्च में हैं, रोज आ रहे हैं वचन सुनने, किसी ने बताया कि चर्च आओ तुम ठीक हो जाओगे, इसका ध्यान केवल ठीक होने पर है। इसका ध्यान ये नहीं कि रोज मैं ये गुटखा मल रहा हूं, ये तंबाकू लगा रहा हूं, रोज एक सिगरेट पी रहा हूं, मुझे इसे छोड़ना है। और यहां पर पाप छोड़ने के लिए तुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, तुम यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करो अपना परमेश्वर के रूप में, क्योंकि वह पवित्र है। एक तो ये कि यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने से, बपतिस्मा लेने से तेरे अंदर पाप खत्म हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे जीवन में होगा और वो पाप की आत्मा को निकाल देगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। जब पवित्र आत्मा तुझ में आएगा वो शरीर के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, शरीर की इच्छाओं को तेरी लाइफ में पूरी ना होने देने के लिए तुझे वो गाइड करेगा, तुझ पर वो उतरेगा, तुझे भरेगा, ताकत देगा, शक्ति देगा तुझे। तुम एक पाप छोड़ोगे एक टेस्टिमनी आ जाएगी, तुम अगला पाप छोड़ोगे तुम अगली गवाही के साथ आओगे। क्या तुम पाप छोड़ने के लिए तैयार हो? जे कोई सत्संग नहीं है, अच्छा हाँ बाबा जी ने आज बहुत अच्छी अच्छी गल्लां कही, गुरु जी ने बहुत अच्छी गल कही, ये देखिए बाबा जी आज कितनी बढ़िया गल बोल रहे थे, आप ऐसे बोलते रहोगे हस्बैंड वाइफ ऐसे सोफे पे पैर रख के बैठते बैठे, ओ क्या बड़ी गल बढ़िया गई, तूने क्या किया उससे सुन के? क्या तूने कोई बदलाव किया, चेंज किया, कोई फैसला लिया? लोगे भी कैसे, क्योंकि संसार का ईश्वर तुझे पाप से आजाद नहीं कर सकता। शैतान जिसको तुम मान रहे हो वो तुझे पाप से आजाद नहीं कर सकता, वो तुझे, तुम मांगोगे तुझे वीजा दे देगा, तुम मांगोगे अच्छी वाइफ तुझे वाइफ दे देगा, अच्छी तो पता नहीं कैसी होगी बाद में, तुम मांगोगे तुझे बिजनेस दे देगा, तुम मांगोगे तेरी लॉटरी निकल जाएगी 1,00,000 की या 1,00,00,000 की, पर उस 1,00,00,000 के बाद तेरा क्या बनने वाला है नरक की आग में वो तुझे नहीं पता। तो शैतान ऐसा है, वो सब कुछ दे देगा, उसके पास सब कुछ है। क्या यूब को उसने नहीं कहा था, क्या यीशु को उसने नहीं कहा था मेरे सामने झुक जा, सब कुछ मेरे हाथ में मैं तुझे दे दूंगा। वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, उसे पता है प्रभु चंगाई कैसे देता है, मसा कैसे देता है, आशीष कैसे देता है, सब कुछ उसके पास है। इसलिए लोग जहां पर पाप है भीड़ों की भीड़ वहां पर जाती है और लोग पाप में बढ़ते जा रहे हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती जा रही है, शैतान उन्हें देता है ताकि मेरे पीछे लग जाए, जिस रास्ते के पीछे चले और ये अंत में नरक में जाए, क्योंकि मूर्ति या शैतान या वो रास्ता जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो कभी भी पाप छोड़ने के लिए नहीं बोलेगा, आपको दूर करने के लिए नहीं बोलेगा। ऐसे रास्ते भी जहां पर खुद शराब बाबा पी रहा होगा, खुद सिगरेट पी रहा होगा,
खुद वो गुरु व्यभिचार में होगा, खुद वहां पर मूर्ति पूजा हो रही होगी, शराब भी चढ़ रही होगी, कुछ भी होगा, क्या परमेश्वर वहां पर होगा? एक बच्चे को भी पूछ लो, बेटा ऐसी जगह पर परमेश्वर होगा? बोलेगा नहीं मम्मा जी, परमेश्वर तो बहुत पवित्र है, वैसी जगह में कैसा हो सकता है। तो फिर भीड़ वहां पर आ रही है, कौन है वहां पर? लोग चंगे भी हो रहे हैं, भीड़ें भी आ रही है, भीड़ें जा रही हैं, कुछ हो रहा है तो ही जा रही है, तुझे बहुत कुछ दे सकता है, पर वो तुझे पाप से आजाद नहीं कर सकता, ना ही तो तुझे स्वर्ग अनंत जीवन दे सकता है। यही बात यीशु मसीह को दुनिया से अलग करती है। हालेलुया। तो जा तो उस पाप से छुटकारा पाने के लिए तुम परमेश्वर को प्राप्त करोगे कि परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं। तुम केवल बाइबल रीडिंग में बढ़ो, प्रेयर में बढ़ो, रेगुलर चर्च आने का फैसला लो, खुद ब खुद पाप तेरी लाइफ से निकल जाएगा। तुझे निकालने की जरूरत नहीं है, तुम प्रभु को अपने अंदर अपनाओ, प्रभु को आने दो, मसीह की आत्मा को अधिकता से अपने अंदर बसने दो, खुद ब खुद तेरी कमजोरियां तेरे पाप मिट जाएंगे, तुझे उससे बचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल तुम पवित्र आत्मा से भरने के लिए भूखे प्यासे बन जाओ प्रभु के, उसमें ध्यान लगाओ, पाप खुद ब खुद तेरी लाइफ से खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में क्या, पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्योंकि आज जो तुम गंदा देख रहे हो, कल उसका रिजल्ट आएगा। जो ना को बोला उनके पाप के विरुद्ध प्रचार कर, और जब उनके पाप के विरुद्ध बोला गया, हे निनवो के लोगों, परमेश्वर बता रहा है आज से इतने दिनों के बाद परमेश्वर इस नगर का नाश कर देगा, कोई ना बचेगा, ये लोग डर गए। तो तुम प्रचार सुनने के बाद तुम क्या कर रहे हो? हर एक चीज, जिस तरह मैंने लास्ट प्रीच में कहा, लोग कहते पता नहीं मेरी लाइफ क्यों नहीं होता, सारे डॉक्टर दे कोल जाते हैं, मैं ही क्यों नहीं हील हो रहा हूं, इस डॉक्टर के पास सब ठीक हो रहे, मैं ही क्यों नहीं ठीक हो रहा हूं, मेरे क्यों बेबी नहीं हो रहा है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो जब तुम ऐसा सोच रहे हो, तो मैंने कहा था बाइबल को पढ़ो, सबको तुझे पता चल जाएगा ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कैसे हल होगा, मुझे क्या करना चाहिए, सब तुझे पता चल जाएगा। तो क्या आप बाइबल पढ़ रहे हो? कि सात चौकियों की ओर ध्यान है आपका, सात एतवार एक रह गया मेरा, जे हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगला बस स्टॉप आगे जाने हैं। और जब तुम बिलीव करते, जैसे एक भाई ने गवाही दी, बस अड़ जो थे आ गए हैं तो और चर्च विच गवाही देने वाली वापस जाओगे, तो सी ठीठ हो गए, खड़े रहो बस, क्योंकि वो अपनी योजना पूरी करेगा, खड़े रहो बस, अटके अड़े थे खड़े रहो बस, अड़े रहो, खड़ना होता है आपको बस, क्योंकि गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम, वेट इज ग्रेट। तुम अपने टाइम से लेना चाहते हो, जल्दी से चुग्गी बन सकती है, महल नहीं बड़ा, उसे टाइम लगता है। अगर तुमने जल्दी जल्दी प्रार्थना का उत्तर लेना है, चुग्गी वगैरह लेनी ले लो, पर अगर तुमने ग्रेट बेस्ट लेना है तो तुझे वेट करना होगा, खुदा तेरे लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। खुदा तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तैयार कर रहा है, खुदा तेरे लिए अच्छी जॉब तैयार कर रहा है, खुदा तेरे लिए अच्छा वीजा तैयार कर रहा है, खुदा तेरे लिए अच्छी कंट्री के लिए तुझे तैयार कर रहा है, खुदा तुझे ब्लेस करने के लिए तैयार कर रहा है तुझे, पर तुझे वेट करना है राइट टाइम पर। तुम एक गॉड प्लान के नीचे हो, जब प्लान का टाइम पूरा हो जाएगा वो चुक्ति तेरी लाइफ में पूरी होगी। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।